नमस्कार, राइस न्यूज में आपका स्वागत है। तो पेश है आज की अहम खबरें। बिहार में पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। कुल 11 चरणों में चुनाव होंगे। पहले चरण के लिए 24 सितंबर को वोटिंग होगी। इसी के साथ भावी प्रत्याशियों ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। राइज न्यूज बिहार पंचायत चुनाव पर खास कवरेज दिखा रहा है। इसी क्रम में आज हम पहुंचे सीवान जिले की भरौली पंचायत, जहां से विभा राय भावी बीडीसी प्रत्याशी हैं। विभा राय कहती हैं कि अगर भरौली पंचायत की जनता ने उन्हें बीडीसी के रूप में चुना तो वो अपनी पंचायत में विकास की गति को और तेज करेंगी। पंचायती राज व्यवस्था के तहत होने वाले पंचायत के चुनाव को लेकर के अलग अलग पंचायतों से मैं ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा हूं, ताकि इस बार के चुनाव में जनता जनार्दन को अपने प्रत्याशियों के विषय में सही जानकारी मिल सके। और इसका मुख्य कारण यह भी है कि पंचायत का जब तक तस्वीर और तकदीर नहीं बदलेगा, तब तक जो है पंचायत का चहुमुखी विकास नहीं होगा। हमारे साथ पंचायत समिति सदस्य के जो सहयोगी हैं, पूर्व में भरौली पंचायत से वार्ड सदस्य जनप्रतिनिधि रह चुके हैं और इनकी धर्मपत्नी भी यहाँ पर जब महिला सीट था वो यहाँ से वार्ड सदस्य रह चुके हैं, और बतलाना चाहेंगे कि निर्विरोध यहाँ के जनता ने उनको वार्ड सदस्य चुना था। बीडीसी के पद पर जो तैयारी कर रही महिला है उनका शुभ परिचय हम करा देते हैं। इस बार पहली बार भरौली पंचायत से बीडीसी के उम्मीदवार हैं विभा राय। अपना शुभ नाम बताएं। मेरा नाम विभा राय है। किस पद पर चुनाव लड़ रहे हैं? बीडीसी पद पर चुनाव लड़ रहे हैं। पंचायत का नाम? पंचायत नाम भरौली। और क्या अपील करेंगे जनता से? मैं जनता से यही अपील करूंगी कि वो हमारे साथ दे और विकास करे। हमारे साथ अमरेश राय जी हैं, जो परिचय के मोहताज नहीं है। इनको लोग नेताजी के नाम से जानते और पुकारते हैं। क्षेत्र में हमेशा जनता के समस्याओं को उठाते रहते हैं और जो भी इसके जन प्रतिनिधि होते हैं उनसे मिल करके समस्या समाधान हेतु प्रस्ताव भी रखते हैं। अमरेश राय जी, क्या कहना चाहेंगे, चूंकि चुनाव की तैयारी हो रही है बीडीसी पद पर? जी, हम मैंने पंचायत चुनाव तो खैर होगा, लेकिन हम इसके पहले पूर्व कुछ हम बात रखना चाहते हैं इस जिलावासियों से। आज से आज़ादी के बाद हमारे सिवान लोकसभा से स्वर्गीय सांसद यीशु जी घर बैठ करके और जीतते थे लगभग 50 वर्ष, और आज क्या बात है कि हमारे ही नज़दीक के एक उम्मीदवार एक महिला होते हुए भी हार जाती है, जबकि जो उनका पटना उनके पति आते हैं तो लाखों करोड़ों लोग जुटते हैं, लेकिन यहाँ सिवान में उनका समर्थन क्यों नहीं मिलता है, इस बात का हमें दुख रहता है। कि नज़दीक रहने पर हम लोग कोई भी समस्या लेकर के जाते थे और वो सुनते थे, और अब के प्रतिनिधि लोग देख रहे हैं जाने के बाद भी नहीं सुन रहे। एक हम पुल करके लेकर के गए थे सोना नदी में, पुल पूर्व साइड में जो 8-10 गांव से जुड़ता है, बाईपास होकर के जाता है, और आज तक उसका कोई माने रास्ता नहीं निकल पाया। अच्छा। इसलिए हम प्रमुखता से इस बात को लेकर के लड़ेंगे, चाहे हमको जिस उम्मीदवार से लड़ना हो या जैसे भी लड़ना हो। तो तैयारी शुरू? जी, हम तैयारी कर चुके हैं। और क्या आपकी कोशिश रहेगी कि चुनाव अगर विभा राय जीतती हैं तो आप ब्लॉक के प्रमुख तक नहीं, प्रमुख के हम दावेदारी नहीं करेंगे, जो विकास करने वाले व्यक्ति होंगे उन्हीं का समर्थन? हाँ, उन्हीं का हम समर्थन करेंगे। कि यहाँ जगह जगह जल जमा हुआ है, पानी लगा हुआ है, रोड पर कीचड़ पसरा हुआ है, आने जाने वाले लोग बहुत परेशान हो रहे हैं, ऐसे में जनता आपको मौका देगी तो आपकी कोशिश रहेगी कि समस्या दूर हो जाए? जी, हमारा कोशिश 100% रहेगा कि हमारा जनता बारिश के मौसम में भी कहीं पानी रोड पर नहीं लगे, नाली का व्यवस्था हो या कोई ना कोई व्यवस्था हम लोग आपस में मिलजुल कर बैठ करके निकाल लेंगे। आपके इस पंचायत में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना मनरेगा की स्थिति क्या है, यहाँ कुछ काम हुआ कि नहीं? कुछ हल्का काम हुआ है, पहले जैसा नहीं काम हुआ है। जो 2006 और 11 के बीच में जो काम हुआ है ना, उसके अनुसार अब किसी समय में नहीं हुआ है। 20-25 वर्ष के अंदर कभी भी नहीं हुआ है। इस तरह का काम नहीं हुआ? ना, कभी नहीं काम हुआ है। जी। अच्छा, सब कागज पर दिखावा हुआ है, जो भी हुआ है कागज पर मोटा मोटी दिखावा हुआ है। जी, उसका जाँच करवा दीजिए, हम तैयार हैं। आप मांग करते हैं? हाँ, मांग करते हैं कि जाँच करवाइए। 2001 से लेकर के 21 तक हम मांग कर रहे हैं कि जाँच किया जाए। बिल्कुल। तो आप देख रहे हैं कि जांच की मांग की जा रही है कि जो भी पंचायत समिति सदस्य बीडीसी के फंड से विकास का काम हुआ है उसकी जांच होनी चाहिए। सबसे बड़ा जांच तो अब होने जा रहा है, क्योंकि चुनाव का समय करीब आ गया है और बहुत सारे उम्मीदवार हैं जिनको अपना जो है हिसाब किताब जनता के अदालत में पेश करना है। तो क्या अपील करेंगे भरौली पंचायत की जनता से आप?
चाहते हैं कि सेवा करने का मौका? हाँ हाँ, हम तो आम जनता से पूरा अपील करते हैं। क्षेत्र में घूम रहे हैं? हाँ, हम क्षेत्र में घूम रहे हैं। लोगों से मुलाकात हो रही है? कैसा लग रहा है? लोगों का मूड बदलाव की तरफ है। बदलाव की तरफ है। अभी तक आप अपने पंचायत के किन किन गाँव का आप अभी तक जायजा ले चुके हैं, संपर्क अभियान कर चुके हैं? जी, हम बलईपुर बगल में है, उत्तर साइड में पकवलिया और हसनपुरवा, और अपने गांव भरौली, इधर धर्मपुर है। ये चार पांच गांव का हम दौरा कर चुके हैं। अच्छा, आपके पंचायत में कोरोना के समय में जब लॉकडाउन था, उस समय क्या स्थिति थी? जैसे मान लीजिए कि रोजगार गारंटी योजना के बारे में लोग बात कर रहे थे, तो लोगों को रोजगार देने के लिए कैंप लगाया गया था, यहाँ कोई इस तरह का अभियान हुआ? ना, ये सब गलत काम है। कोई कैंप नहीं लगा था। जो सेंटर से पैसा भी आया था भरपूर, जो मैंने प्रत्येक व्यक्ति को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया है। हाँ, इसकी जांच होनी चाहिए। बिल्कुल, हम लोग दिखा देंगे किसका दस्तखत है, किसका जाली है, किसका क्या है, सब हम लोग दिखा देंगे। बिल्कुल, दरवाजे दरवाजे घूम करके हम लोग जांच करा देंगे। हाँ, अपना शुभ नाम बता दें। श्री अमरेश राय। तो ये थे अमरेश राय, पंचायत समिति सदस्य जन जो प्रत्याशी हैं विभा राय, उनके जो सहयोगी हैं और इनकी पतोहू ससुर हैं, और इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जनता लोकतंत्र में मालिक है, जनता अगर मेहरबान हुई, सेवा करने का सौभाग्य दी, तो इस पंचायत भरौली का तकदीर और तस्वीर जरूर बदल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।